हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट फूड एवरी टाइम। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इंस्टेंट पोहा रेसिपी। ये पोहा बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है और बहुत ही फास्टली बनकर तैयार हो जाता है। आज हम इस तरीके से पोहा बनाकर तैयार करेंगे जिसका टेस्ट अब तक के सारे पोहे से डिफरेंट और डिलीशियस होगा। आज मैं आपको बिल्कुल नए तरीके से पोहा बनाकर बताऊंगी। फ्रेंड्स, अक्सर ब्रेकफास्ट में पोहा तो हर घर में बनता ही रहता है, तो क्यों ना आप एक दिन मेरे तरीके से पोहा बनाकर खाएं। आई प्रॉमिस, आप एक बार खा लोगे तो आगे से बस इसी तरीके से बनाकर खाना पसंद करोगे। तो चलिए इंस्टेंट पोहा रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए यहाँ मैंने लिया है मिक्सिंग बोल और मैं ले रही हूँ 2 कप पोहा। आप जितना पोहा बनाना चाहते हैं उतना ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ 2 कप पोहा लिया है। इनको हमने अच्छे से छान लिया है ताकि इसमें जो गंदगी होगी वो अच्छे से निकल जाए। अब इनको 2 से 3 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इनको अच्छे से धो लिया है। यहाँ पर सारे पोहे को 5 मिनट के लिए हम स्ट्रेनर में ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इनका जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इनको बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें 1/2-4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून शक्कर डालेंगे। आप इसकी जगह पिसी हुई शक्कर भी डाल सकते हैं, इससे पोहे का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब हम इसमें 1/2 लेमन जूस डालेंगे। लेमन जूस डालने से पोहे जो हैं बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनते हैं और हमने जो इसमें शक्कर डाली है उसकी वजह से पोहे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। और अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब आप एक बार इस तरीके से पोहे बनाकर खाएंगे तब आप खुद कहेंगे वाव, सो यम्मी। ये बहुत ही अमेजिंग पोहे बनकर तैयार होते हैं। फ्रेंड्स, आपने पोहे तो बहुत खाए होंगे लेकिन इस तरीके से आज तक नहीं खाए होंगे। तो यहाँ सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इन्हें हम कवर करके 15 मिनट रेस्ट पर रख देंगे। इससे क्या होगा कि जो हमने इसमें शक्कर ऐड की है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर पोहे को 10 से 15 मिनट रेस्ट पर रखने के बाद आप देख सकते हैं सारे पोहे अच्छे से अलग अलग हो चुके हैं और इसमें जो हमने सारे मसाले ऐड किए थे वो भी अच्छे से मेल्ट हो गए हैं। बहुत ही खिले खिले पोहे रेडी हुए हैं, ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आधा पोहा रेडी हो चुका है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ गैस पर हमने कढ़ाई को गर्म करने रख दिया है और अब इसमें हम 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। तो जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसमें 1/4 टीस्पून राई डालेंगे। इसके साथ ही हम इसमें 1 पिंच हींग डालेंगे और जैसे ही राई अच्छे से क्रैक हो जाएगी उसके बाद यहाँ पर हम 4 से 5 लंबे साइज में कट की हुई हरी मिर्ची डालेंगे। अगर आप तीखा खाना पसंद नहीं करते हैं तो कम मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। अब इनको हम 10 से 15 सेकंड के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। इस स्टेज पर हम इसमें प्याज टमाटर वगैरह बिल्कुल भी फ्राई नहीं करेंगे और अब डायरेक्ट हम इसमें सारे पोहे को डाल देंगे। फ्रेंड्स, पोहे बनाने का ये तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। इस तरीके से बहुत ही ज्यादा टेस्टी पोहे बनते हैं। यहाँ पर सारे पोहे को हमने डाल दिया है, अब इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि पोहे में जो हमने हल्दी डाली है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और इसमें कलर भी अच्छे से आ जाए। तो जैसे ही सारे पोहे अच्छे से मिक्स हो जाएंगे इसी टाइम हम इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके साथ ही 1/4 टीस्पून मैगी मसाला ऐड करेंगे। इसे डालने से पोहे हमारे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। आप इसकी जगह पर चाट मसाला भी यूज कर सकते हैं। अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, जब हम पहले से ही हल्दी डालकर पोहे को रेस्ट पर रख देते हैं उसके बाद जब फ्राई करते हैं तब पोहा बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है और पोहे का बहुत ही अमेजिंग कलर आता है। शायद आपने अभी तक इस तरीके से पोहा कभी नहीं बनाया होगा। और अब इसे हम टेस्टी और हेल्दी बनाने के लिए बाकी सामान को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए टमाटर लिए हैं। इसके साथ ही 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम थोड़े से फ्रोजन मटर डालेंगे। आप इसकी जगह फ्राई की हुई मूंगफली भी ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में हम 1 मीडियम साइज का बॉयल आलू डालेंगे जिसे हमने क्यूब्स में कट कर लिया है। और अब इन सबको हम पोहे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें और भी वेजिटेबल्स ऐड नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो वेजिटेबल्स मैंने इसमें डाली हैं वो अक्सर कच्ची ही खाई जाती हैं। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि सारी वेजिटेबल्स पोहे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स, आप फ्राई करके तो पोहे रोजाना बनाकर खाते हैं बट एक बार इस तरीके से पोहा बनाकर देख लीजिएगा कि कितना टेस्टी बनता है। यहाँ पर हमने इनको पूरी तरह से मिक्स कर लिया है और अब लास्ट में हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे
तो यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है और एक बार फिर से इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा पोहा पूरी तरह से रेडी है, आप देख सकते हैं बहुत ही खिला खिला पोहा बनकर तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, इस पोहे को बनाने में हमें करीब 10 से 15 मिनट का ही टाइम लगा है। अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और साथ ही साथ हम गर्मा गर्म पोहे को एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। और अब लास्ट में हम इनको और भी ज्यादा डिलीशियस बनाने के लिए आलू भुजिया से गार्निश कर लेंगे। यकीन मानिए, पोहे में आलू भुजिया डालने से इसका टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ही यम्मी लगते हैं इसे डालने के बाद ये। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर बहुत ही डिलीशियस पोहे बनकर रेडी हो चुके हैं। आप भी इनको घर पर जरूर ट्राई करें, आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे ये पोहे और ये टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ज्यादा हेल्दी भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद नहीं तो प्लीज फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। इसके साथ साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। टेक केयर एंड बाय बाय।